आज मैं बना रही हूँ इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक मिनीचर गार्डन। कितना खूबसूरत लग रहा है और इसमें मैंने बहुत कम चीज़ें मार्केट से ख़रीदी हैं। ये DIY मिनीचर गार्डन है। इसमें मैंने एक स्कूल की थीम दी है, तो इसको कैसे बनाया है दिखाती हूँ, कौन सी पुरानी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज की हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए मैंने ले ली है एक ट्रे जो पहले से ही मेरे पास पड़ी थी, और इसमें मिट्टी भी फिल कर दी है। रेत थोड़ा ज़्यादा लिया है, मिट्टी कम ली है। पौधों की ग्रोथ बहुत हल्की रहती है। उसके बाद मैंने एक की पेंट का डब्बा था जिसमें एक्रेलिक पेंट आते हैं, उसका डब्बा है, उसमें पेंट कर दिया है, जिससे मैं स्कूल बना रही हूँ। और ये कुछ रिबन थे जिन्हें पेंट करके फ्लैग बना दिए हैं। और ये देखिए, एक थर्माकोल का पीस था, राउंड कर लिया है, और उसमें मैंने ये पुराना ब्रश टूट गया था उस पर लगा दिया है एक फ्लैग। तो ये हमारा रेडी हो गया फ्लैग, क्योंकि थीम है आज की स्कूल की, स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है। ये ट्री गार्डन मैं अपने बचपन की यादों को लिए हुए बना रही हूँ। किस तरह से हमारे इधर सेलिब्रेशन के बाद सभी बच्चे इस तरह से स्कूल कंपाउंड में बैठे रहते थे, वही मैं यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी सॉइल तैयार हो गई। अब मैं एक पेड़ की तरह दिखने वाला प्लांट ले रही हूँ, ये है गोल्डन डोरंटा का। एक ट्री की तरह ये दिखाई दे रहा है देखिए, और ये काफ़ी अच्छा चलता है ट्री गार्डन में। प्रूनिंग करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। इस पॉट को उल्टा करके मैं इसे निकाल लूँगी ताकि हमारे प्लांट की जड़ें ख़राब ना हों। इस तरह से उल्टा कर लेती हूँ तो थोड़ा सा मारने पे ये पूरा ही निकल जाएगा। देखिए इस तरह से निकल गया है। और मैं इसकी साइड की मिट्टी निकाल लेती हूँ। जब भी आप कोई प्लांट लगाते हैं उसकी रूट को डिस्टर्बिंग मत कीजिए। तो मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। ये 2-3 साल से मेरे पास लगा हुआ है, ये ट्री की तरह दिखाई भी दे रहा है, और कलर भी अच्छा रहता है इस प्लांट का, इसीलिए मैं, और सस्ता भी मिलता है, सबसे बड़ी बात है ये काफ़ी सस्ता मिलता है। आप अगर छोटा पेड़ लेने जाएंगे नर्सरी में, 5-10 रुपये में ही आपको ये मिल जाएगा। कटिंग से आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सबसे पीछे बैग में ट्रे के पीछे डाल देती हूँ। ट्रे गार्डन का मतलब ही है जो अपनी इमेजिनेशन को एक ट्रे में, एक पॉट में साकार रूप देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरा ये पेड़ लग चुका है। तो यहाँ पर मैं एक स्कूल जो मैंने बनाया था पुराने पेंट के डब्बे से, इसमें पेंट किया है, और स्कूल का जैसा लुक भी आ रहा है जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो मैंने इसे पीछे लगा दिया है यहाँ पे। और मैं बीच में रास्ता बनाने के लिए कुछ स्टोन लगा दूँगी यहाँ पे। तो फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल ये मैट पड़ी है मेरे पास, उससे मैंने कट कर लिए हैं पीस, इसे मैं यहाँ पे लगा दूंगी दोनों तरफ गेट के। और जो इस बॉक्स का ढक्कन है जहाँ पे बंद करने वाला है, वो देखिए विंडो की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ मैंने ये आर्टिफिशियल मैट के टुकड़े लगा दिए हैं, और बीच में मैंने रास्ता छोड़ दिया है। अपनी इमेजिनेशन के अनुसार आप बना सकते हैं। मुझे बचपन में जिस तरह का स्कूल मैंने देखा था, उस तरह का स्कूल मैं यहाँ पर क्रिएट करने की, जिसमें मैं पढ़ी हूँ स्कूल में, उस तरह का स्कूल मैं यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। बीच में रास्ता था और दोनों तरफ वहाँ पर ग्रीन ग्रास नहीं था, पर वहाँ पर सीमेंट का था। मैं यहाँ पर ग्रीन मैट लगा रही हूँ। हमने ये आर्टिफिशियल ग्रास मैट लगा रखी है, उसके पीछे से हमने इस रेलिंग को लगाना है। इसे मैंने मीशो से या फ्लिपकार्ट से काफ़ी पहले मंगाया था, अभी मुझे याद भी नहीं है कितने का मंगाया है। तो इस तरह से ये लगा लेती हूँ। मैंने जो भी पैसे लगे हैं सिर्फ फेंसिंग पे लगे हैं, ये भी मेरे पास पहले से पड़ी थी। अब जो ये झंडा हमने बनाया है वो मैंने किस चीज़ से बनाया है बताती हूँ। नीचे जो राउंड शेप में इसका चबूतरा देख रहे हैं, ये है थर्माकोल। इसके ऊपर ये रिबन लपेट के आया था, तो इसमें मैंने इस ब्रश को लगा दिया है। ये पेंटिंग का करने का ब्रश है, ये ख़राब हो गया था, तो ऊपर से मैंने रिबन में पेंट करके यहाँ पर फ्लैग बना दिया है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये।
उसके बाद हमने कुछ प्लांट ले लिए हैं। उसके बाद देखिए ये हैं कुछ डेविल्स बैकबोन की कटिंग ले ली है मैंने। मैं जो भी प्लांट यहाँ पे यूज कर रही हूँ काफ़ी हार्डी प्लांट यूज कर रही हूँ, क्योंकि इनको कम पानी की ज़रूरत होती है और काफ़ी अच्छे से ये ट्री गार्डन में चलते हैं। ये सैकुलेंट फैमिली का प्लांट है, तो डेविल्स बैकबोन की कुछ कटिंग मैंने इस तरफ लगा ली है। तो उसके बाद इसके जो मेन गेट है जहाँ से जाने का रास्ता है उसके चारों तरफ भी कुछ प्लांट लगा देती हूँ। कुछ कटिंग और बच गई हैं डेविल्स बैकबोन की, तो इन्हें हम रास्ते पे लगा देते हैं जहाँ से एंट्री है। तो ये लगा दी हैं प्लांट मेन रास्ते के दोनों तरफ डेविल्स बैकबोन की, एक एक कटिंग डाल दी है। उसके बाद ये ले लिए हैं मैंने कुछ स्पाइडर प्लांट, इनकी जो ख़राब पत्तियां हैं उन्हें मैं निकाल देती हूँ। आजकल सभी में बहुत ही अच्छी रूटिंग हो रही है, तो इनकी जो सूखी सी पत्तियां हैं उन्हें मैं निकाल दे रही हूँ और इस झंडे के बैक साइड में लगा देती हूँ ताकि ग्रीनरी, ताकि ये काफ़ी अच्छा सा कलर यहाँ पर दे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हमारे रह गए हैं कुछ मिनिएचर टॉयज, ये हैं स्कूल के प्रिंसिपल सर, तो मैं इन्हें बिठा दे रही हूँ यहाँ पे एक बेंच में, जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करने के बाद बच्चे और सर बाहर बैठे हैं। तो कुछ हमारे स्कूल के शैतान से बच्चे जब झंडारोहण होता था उसके बाद इस तरह से चबूतरे पे बैठ जाते थे, उनको मैंने यहाँ पे दर्शाया है। तो मुझे याद आ रही थी कि उस समय ऐसा होता था, जैसे ही सर आते थे सभी भाग जाते थे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक थीम क्रिएट की है, बचपन की यादों को मैंने यहाँ पर सजोया है। ऊपर की तरफ बॉयज़ बैठे हैं और नीचे की तरफ मैं बिठा दे रही हूँ ये गर्ल्स को, जिन्होंने अपने अपने टॉयज पकड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे टाइम में जो है लड़कियाँ और लड़के साथ में नहीं बैठते थे, अलग अलग टोली बनी रहती थी, तो इसी तरह से बैठते थे, वही मैं यहाँ पर दर्शा रही हूँ। और तो यहाँ पर सारा कुछ हमारा सेट हो गया है। और ये मैंने कुछ ले ली वॉल्विंग, जो मैं पीछे से लगा देती हूँ जहाँ पर भी खाली स्पेस है। कुछ दिन बाद ये ट्रे जब भर जाएगी तो काफ़ी सुंदर सा लुक यहाँ पे आएगा और हमारी एक याद भी बनी रहेगी। इस ट्रे को हमने इंडिपेंडेंस डे के दिन बनाया था। तो उसके बाद मेरे पास ये हैं फ्लैग कुछ जो मैंने बनाए हैं पुराने वाइट कलर के रिबन से, तो इसको मैं यहाँ पे बांध देती हूँ ऊपर से। कुछ दो स्टिक ले ली हैं जो बैक में मैं बांध रही हूँ ताकि अच्छा सा हमारा ट्रे गार्डन दिखाई दे, दूर से ही नज़र आए यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने सारे ही फ्लैग को यहाँ पे बांध दिया है एक डोरी में और कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर सी ये ट्रे हमारी बनी हुई है। मिनिएचर जो थे पहले से मेरे पास पड़े थे, जो दूसरी ट्रे में लगे थे वहाँ से मैंने ले लिया है। आज की ट्रे के लिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा यहाँ पर। इसमें जब भी आप पानी डालेंगे तो आप स्प्रे बॉटल से ही इस ट्रे में पानी दीजिए। तो आपको फाइनल दिखा देती हूँ चारों तरफ से घुमा के ट्रे को। काफ़ी सुंदर ये ट्रे बनी है और इसमें मेरी बहुत कम मेहनत लगी है, बहुत कम पैसे लगे हैं, उसके बावजूद ये ट्रे बहुत सुंदर हमारी बनी है। क्योंकि ट्रे भी घर में रखी थी, काफ़ी पुरानी थी। तो देखिए मुझे लगता है ये ट्रे गार्डन आपको भी बहुत पसंद आया होगा। आप अपने बच्चों को बना के दिखाइए, बहुत बच्चों के साथ आप ये बना के देखिए, आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे ये ट्री गार्डनिंग करने में। अगर ये बच्चे वाले फिगर आपके पास नहीं है, आप छोटे छोटे स्टोन में भी बच्चों का फेस क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स में। तो आज जैसा कि स्वतंत्रता दिवस है, सभी लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैंने इस तरह से आज की मॉर्निंग जो है सेलिब्रेट की है। मुझे लगता है मेरा सेलिब्रेशन का तरीका आप लोगों को ज़रूर से पसंद आएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।